वो गए थे आस की प्यास जगा के, वो लौटे हैं आस को कुछ खास बना के। ये है गुरु हनुमान अखाड़ा, जिसके बाहर ढोल नगाड़ों की ताल पर झूमते ये पहलवान यकीन दिला रहे हैं किसी आस के कुछ खास होने का। इस आस को खास बनाया है भारतीय पहलवान वीरेंद्र सिंह ने, और वीरेंद्र के साथी पहलवान मिठाइयों और फूल मालाओं के साथ नाचकर इस खुशी को चार चांद लगा रहे हैं। बीजिंग ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता सुशील कुमार की तरह ही हष्ट पुष्ट दिखने वाले वीरेंद्र सिंह ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारतीय कुश्ती को एक बार फिर गौरवान्वित किया है। चौंकिए मत, हम ओलंपिक की ही बात कर रहे हैं जिसमें विश्व भर के दिग्गज खिलाड़ी भाग लेते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि शरीर से जबरदस्त मजबूत दिखने वाले ये सभी खिलाड़ी सुन और बोल नहीं सकते, और इसे डेफ ओलंपिक कहते हैं, जो कि ओलंपिक की ही तरह हर चार साल के अंतराल के बाद आयोजित होते हैं। इस बार डेफ ओलंपिक का आयोजन हुआ चाइना ताइपे में, जिसमें भारतीय पहलवान वीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर अपनी सफलता के झंडे गाड़े और 84 किलोग्राम भार वर्ग फ्री स्टाइल में कांस्य पदक प्राप्त किया। इसने बेलारूस के पहलवान को टेक्निकल फाल से 6-0 के अंतराल से लगातार वैली यू पहलवान जो बेलारूस का था उसको इसने टेक्निकल फाल हराया, और सेमीफाइनल में लतीफ पहलवान जो ईरान का था उस पहला राउंड लतीफ जीता, दूसरा राउंड ये जीता, तीसरे राउंड में भी कि इसने उसको पूरे टाइम आगे आगे रखा, बराबर बराबरी के पॉइंट में एक पॉइंट का स्कोर इसका पैर बाहर निकल गया। वरना अगर ऑफिसेटिंग बोर्ड के ऊपर यूरोप का और ईरान वालों का दबाव नहीं होता तो निश्चित रूप से वीरेंद्र उसको हराता और फाइनल में टर्की का पहलवान था उसको निश्चित रूप से हराता और गोल्ड मेडल जीतता। इससे पहले भी वीरेंद्र सिंह 2005 में मेलबोर्न में आयोजित डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल कर चुके हैं, जहां एक और भारतीय पहलवान सुशील कुमार ने बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर जबरदस्त सफलता, शोहरत और पहचान हासिल की है। वहीं दूसरी ओर देखना यह है कि द्रोणाचार्य के तमाम दिग्गज शिष्यों के बीच एकलव्य जैसी साधना करके डेफ ओलंपिक में देश को दूसरी बार पदक दिलवाने वाले वीरेंद्र सिंह को क्या थोड़ी सी भी वो पहचान मिल पाएगी जो एक खिलाड़ी के हौसलों को उड़ान देती है।